इंसान जब सोते हैं तो वो गहरी नींद में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कभी मेट्रो या बस के अंदर, अगर कोई इंसान अगर गहरी नींद में चला जाता है तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने लगता है। लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंसान भले सोते समय अपना संतुलन नहीं बना पाता है, लेकिन पक्षियां सोते समय अपना संतुलन काफी अच्छे से बना लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार पक्षियां अगर पेड़ पर सो भी रही होती हैं तो वो गिरती नहीं है। इंसानों की तरह पक्षियों को सोने के लिए काफ़ी लंबे समय की ज़रूरत नहीं होती है। पक्षियों के लिए गहरी नींद में जाने का समय केवल 10 सेकंड का होता है, और उसके साथ साथ पक्षी एक आंख खुले रखकर भी सो सकते हैं। इसी कुछ रीजंस की वजह से पक्षी हमेशा सोते समय अपना संतुलन बनाए रखती है। पक्षियों के मामले में उनके दिमाग का जो हिस्सा सोते समय एक्टिव रहता है, उसके उलट उसकी आँख खुली रहती है। यानी अगर उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होगा तो उनकी बाईं आँख खुली रहेगी। यही खास कारण है कि वो सोते समय भी किसी भी खतरे से अपने आप को बचा पाते हैं, यानी सोते समय वो अपने आप को किसी शिकारी से भी बचाने में सक्षम होते हैं। अब बात कर लेते हैं सोते समय पक्षी पेड़ से गिरते क्यों नहीं है। दरअसल पक्षी के पैरों के डिजाइन की वजह से पक्षी पेड़ पर सोते समय कभी गिरते नहीं है। जब पक्षी पेड़ पर सोने के लिए बैठते हैं तो उनके पंजों की बनावट कुछ इसी अच्छी तरह से होती है जो उन्हें काफी अच्छी ग्रिप देती है। ये बनावट पक्षियों के लिए एक क्लॉक का काम करती है, जिसके वजह से पैरोट या कोई भी पक्षी डाली पर अच्छे से सो सकता है और वो गिरता भी नहीं है। पक्षियों के पास और भी काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। ऐसे ही एनिमल से जुड़े फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।